हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे चिल्ली पनीर। तो हमने ये सामग्री ली है। हमने 2 बड़े चम्मच लिए सोया सॉस, 1 चम्मच लिए हमने देगी मिर्च जो कि तीखी नहीं होती, खाली कलर के लिए होती है, 1/2 चम्मच हमने काली मिर्च ली है और 4 चम्मच हमने लिए चिल्ली सॉस, 4 चम्मच हमने लिए टमाटो सॉस और ये लिए हमने कुछ लिया कॉर्नफ्लोर। हमने 500 ग्राम पनीर लिए जो हमने काट लिया। हमने 2 शिमला मिर्च लिए, 2 हमने प्याज लिए जो मोटे मोटे काट लिए। हमने 10-15 कलियाँ लिए लहसुन की जो बारीक काट लिए। 3 हमने हरी मिर्च लिए। अब बनाते हैं। हमने पनीर लिया, 2 चम्मच हम लेंगे कॉर्नफ्लोर, 1/2 चम्मच डालेंगे देगी मिर्च, 1/2 चम्मच हम नमक लेंगे और हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। पनीर पर कॉर्नफ्लोर की कोटिंग कर दी है। अब इनको तलेंगे। हमने पैन लिया, इसमें 1 बड़ा चम्मच लेंगे हम रिफाइंड ऑयल। धीरे करके पनीर डाल देते हैं। सारे पनीर हमने फ्राई कर लिए। अब बनाते चिल्ली पनीर। 2 बड़े चम्मच ऑयल लेंगे। ऑयल को हम ऐसे फैलाते हुए करेंगे क्योंकि हमारा कढ़ाई हमें नॉन स्टिक बनाना है। अब डालेंगे कटा हुआ लहसुन, अब डालेंगे हरी मिर्च। हमें इनको हल्का हल्का रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं भूनना है हमें इनको। डालेंगे प्याज, अब डालेंगे नमक बिल्कुल ज़रा सा। अब डालेंगे चिली सॉस, अब डालेंगे टमाटो केचप, काली मिर्च, दो चम्मच डालेंगे सोया सॉस, दो चम्मच डालेंगे सफेद सिरका, दो चम्मच लेंगे कॉर्नफ्लोर, मिक्स कर लेंगे पानी। कॉर्नफ्लोर हमने मिक्स कर लिया। अब डालेंगे देगी मिर्च जो कलर के लिए हमने ली थी, मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर मिक्स किया वो डालेंगे। 1 कटोरी पानी और डाल देंगे, पका लेंगे। अब हमें इसको पका लेंगे। अब डालेंगे 1/2 चम्मच नमक, मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे पनीर, सारे पनीर हम चिल्ली पनीर आपको हमारा तैयार हो गया।